Hey there, this is Chauhan from Bonsai Hunter. Welcome back to my channel. Today we are going to talk about penjing, vertical penjing. आजकल जो पेंजिंग चाइनीज आर्ट है जिसके अंदर लैंडस्केपिंग की जाती है उसको वर्टिकल शेप में बनाने का एक ट्रेंड शुरू हुआ है। दोस्तों पेंजिंग बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल की आवश्यकता होती है जिसके अंदर एक मार्बल स्लैब होता है, साथ हमें जरूरत पड़ती है रॉक्स की, ऐसी रॉक्स जो पेंजिंग बनाने के लिए सूटेबल हो, जिनके अंदर कुछ टेक्स्चर हो, उनका जो शेप है काफ़ी अच्छा हो। रॉक्स के साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ती है सीमेंट की, सीमेंट जिससे हम पेंजिंग को ग्लू करते हैं। साथ ही साथ हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है फिगराइंस की। ये जो फिगराइंस हैं ये हमने इंटरनेट से लिए हैं, हमने एक हट ली है, एक पेयर ऑफ हमने डक्स लिया है। बेस हमारा तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये है हमारा मार्बल का स्लैब जिसे हमने ग्राइंड करके फिनिश कर दिया है। अब हम इसके ऊपर जो हमने रॉक सेलेक्ट किए हैं उन्हें एक डिज़ाइन देके एक स्टाइल से हम इसके ऊपर ग्लू करने वाले हैं। ग्लू करने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया हम सीमेंट का यूज़ करने वाले हैं। नॉर्मली 1 पार्ट सीमेंट और 3 पार्ट सैंड को मिलाया जाता है, लेकिन हम लगभग 50-50 सैंड और सीमेंट को यूज़ करेंगे ताकि मार्बल की पकड़ उसके ऊपर अच्छी हो। ये जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे हम एक प्लांट लगाने वाले हैं। जब हम यहाँ पे प्लांट लगाएंगे तो प्लांट लगाने के लिए स्लैब और मार्बल के बीच में हमें थोड़ी जगह रखनी होगी, तो हम इसे थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करेंगे और यहाँ पे एक पॉकेट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम अपने प्लांट को ग्रो कर सकें। दोस्तों हमारी इस पेंजिंग के अंदर जहाँ पर हम हमारे इस रॉक को चिपकाने वाले हैं वहाँ पे अगर जो सरफेस है वह स्मूथ हुई तो ये रॉक उसके ऊपर सीमेंट के साथ अच्छी तरीके से ग्लू नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें इसे थोड़ा खुरदुरा करना होगा। तो फ्रेंड्स हमारा रॉक्स प्लेसमेंट का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसके अंदर एक प्लांट लगाएंगे। दोस्तों इस तरीके से जब हम थोड़ी सी स्पेस में किसी प्लांट को लगाते हैं तो हमारी सॉइल थोड़ी चिकनी होनी चाहिए ताकि वह जल्दी सूखे नहीं, और साथ ही हम इसमें मिक्स कर रहे हैं मॉस ताकि जो ये मॉइस्चर है इसको ज़्यादा देर तक बनाए रख सके। तो फ्रेंड्स हमारी पेंजिंग बिल्कुल तैयार है। हमारा ये जो फाइकस है इसे कुछ समय बाद में हम थोड़ा शेप देंगे। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल बी बैक विद सम मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन बॉन्साई एंड गार्डनिंग। टिल देन गुड बाय।